नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडल पेपर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आप इन वीडियोज़ की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय लेता है? तो दोस्तों, सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय नेपच्यून द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दुनिया का कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो दुनिया का टोटल 7% भूभाग जो है दोस्तों वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया जो है दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, कृष्णा राजा सागर डैम का नाम आपने जरूर सुना होगा, यह कर्नाटका में स्थित है और कर्नाटका में कावेरी रिवर पर बना हुआ है। तो कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी रिवर पर सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर डी, कावेरी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी किस प्रकार की है? द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो जोनल सॉइल होती है वह रेड सॉइल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मानव नदी संघ का सदस्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ मानव रिवर यूनियन। दोस्तों, आइवरी कोस्ट, गिनी, लाइबेरिया और साइरा लियोन, इन चार देशों का एक संगठन है जो कि जिसे मानव रिवर संगठन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी है मानव नदी। वह नदी इन चार देशों की लाइफलाइन है। पहले क्या था, इस मानव नदी के चक्कर में इन चार देशों का डिस्प्यूट था, बट फिर उन्होंने मानव रिवर यूनियन बनाया और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया है। तो इसमें कोस्ट डी आइवरी, यानी कि आइवरी कोस्ट, गिनी, साइरा लियोन और लाइबेरिया, ये चार देश हैं, और नाइजीरिया इस संघ का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव रिवर संघ में कितने देश हैं, तो इसमें है चार मेंबर कंट्रीज। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोस्तों, यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर होने वाले 68% भूकंप के लिए जिम्मेदार प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? द फेमस रिंग ऑफ फायर विच अकाउंट फॉर 68% ऑफ एन अर्थक्वेक अकरिंग इन द अर्थ इज इन द। तो भूकंप का जो केंद्र होता है दोस्तों, अधिकतर भूकंपों का जो केंद्र होता है रिंग ऑफ फायर, वह जो है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऐसा क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लाइज इन द स्टेट ऑफ। तो राष्ट्रीय उद्यान जो फूलों की घाटी है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक्चुअल में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, वो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड इज राइट आंसर। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर किस राज्य में निहित है? द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया लाइज इन स्टेट ऑफ गुजरात।
तो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर किस राज्य में निहित है? गुजरात राज्य में निहित है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका सही आंसर है। भारतीय मुख्य भूमि की तटरेखा से लंबाई क्या है? तो इसमें कोस्ट लाइन की लंबाई पूछ रहा है इंडिया की। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेनलैंड, तो यह है दोस्तों लगभग 7500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ये डेटा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो भारतीय मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई क्या है? 7500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वो है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। समझ रहे हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच एटमोस्फेरिक लेयर इज लोकेटेड एट द मिनिमम हाइट फ्रॉम द अर्थ? तो पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई पर कौन सी वायुमंडली परत स्थित है? तो दोस्तों सबसे कम हाइट पर जो है वह क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर स्थित होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर जो है वह ऐसी वायुमंडलीय परत है जो पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमाओं की सबसे अधिक संख्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सेटेलाइट और मून्स? तो सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो दोस्तों जुपिटर ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। अभी तक इस ग्रह के करीब 63 चंद्रमा जो है वो 63 मून खोजे गए हैं। अभी तक 63 मून है जुपिटर के। अभी हो सकता है फ्यूचर में और इसमें रिसर्च हो, तो फिलहाल 63 हैं और इसका आंसर अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जुपिटर इसका सही आंसर है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ट्रेंच मतलब खाई होता है दोस्तों, महासागरों में जो है बड़ी बड़ी खाइयां भी होती हैं, ट्रेंच होते हैं वहां पर, तो उन्हीं में से एक ट्रेंच, एक बहुत ही फेमस ट्रेंच है सुंडा ट्रेंच। तो सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन में स्थित है। सुंडा ट्रेंच की बात आपने यहाँ से जान ली। एक दूसरी है दोस्तों, डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे गहरी खाई, सबसे गहरी समुद्री खाई विश्व की, वह है मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त इसको हम बोलते हैं। तो इस मारियाना ट्रेंच तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? मारियाना ट्रेंच दोस्तों प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में स्थित है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कीजिए कि सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशन में है और मारियाना ट्रेंच जो है वह प्रशांत या पैसिफिक ओशन में स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।